ये हमारे पास है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड, ये हमारे पास पेक मेजर डेल्टॉइड, देन हमारे पास इसके कट देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये सेरेटस एंटीरियर के स्लिप्स नज़र आ रहे हैं और ये हमारे पास इंटरकॉस्टल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हम मसल्स देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास पेक मेजर है, ये स्मॉल पेक माइनर है और बिल्कुल एंड में ये हमारे पास सेरेटस एंटीरियर है और यहाँ पे हमारे पास ये जो बीच में ये इंटरनल एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल दोनों हैं। ठीक हो गया। और फिर और मसल्स कौन से थे? इसके नीचे सब प्रीवियस था। हाँ, और यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम नज़र आ रहा था, ये डायफ्राम है हमारे पास और यहाँ पे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम है। ठीक है, अब ये जो है ये एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा यहाँ से राइज हो रही है और आगे डिवाइड हो रही है। ये क्या है? राइट ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक, ठीक है, और ये लेफ्ट ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक है। ये ऊपर जो है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये जो है लेफ्ट सबक्लेवियल आर्टरी है। ठीक है, इसी के तरह जो है ये आगे आके डिवाइड हो जाएगी एक कैरोटिड में, कॉमन कैरोटिड, और एक लेफ्ट राइट सबक्लेवियल आर्टरी में। ठीक है, अब वेन की बात ये आ गई कि ये जो है सुपीरियर वीना कैवा है। ठीक है, ये इसका लेफ्ट ब्रेकियोस्पेलिक ट्रंक है और ये राइट, ठीक है, राइट किस में डिवाइड हुआ? इंटरनल जगलर वेन, ठीक है, और एक सबक्लेवियन वेन। ठीक है, इसी तरह ये जगलर वेन और ये सबक्लेवियन इस पे स्पॉट आए तो ये आर्च ऑफ एओर्टा एसेंडिंग एओर्टा, और इस पे स्पॉट आए तो ये डिसेंडिंग एओर्टा, ये डिसेंडिंग या एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग या थोरैसिक एओर्टा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है ना, ये ब्लू कलर का कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर, ये ट्रेकिया है, इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाता है, तो ये जो पॉइंट इसे करीना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये राइट लंग में 3 दफ़ा डिवाइड हो गया और लेफ्ट में 2 दफ़ा डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट लंग की अगर यहाँ पे देखें हाइलम में, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, राइट सुपीरियर ब्लू वाली इसमें आर्टरीज हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो रेड वाली है पल्मोनरी वेन है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ब्लू वाली वो आर्टरी है और रेड वाली जो है वो इसमें वेन है और बाकी ये ब्रोंकाई जो इसमें इंटर हो रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये इसमें कार्डियक फ्लेशन है, प्राइमरी ब्रोंकस है और ये जो जहाँ पे डिवीजन हो चुकी है ये सेकेंडरी ब्रोंकस है। और उसके बाद ये कार्डिक नॉच है, कार्डिक इंप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे आएगा हार्ट का, और ये इसोफेगस हो गई, ये इसोफेगस है।